बस यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन ठीक हो जाए यहाँ पे। ट्रेन की सुविधा शुरू हो जाए, ट्रेन के आने से क्या है, विकास की जो एक तरलता है वो बनेगी। विकास के लिए तो जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह होना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। अपने इस विशेष कवरेज में हम आपको अजब एमपी के गजब चुनावी रंग दिखा रहे हैं, लेकिन आज के चुनावी रंग दिखाने के लिए हमने इंतजार किया गौधूली बेला का। गौधूली बेला यानी वो वक्त जब गाय जंगल से चरकर घर लौटती हैं तो उनके कदमों से उठने वाली धूल की वजह से जो समय होता है उसे शाम लोग समझ लेते हैं। इस वक्त का इंतजार क्यों किया, क्योंकि गाय अचानक से राजनीति के केंद्र में जिस तरह से बीते दो साल में आई है उसे देखते हुए लग रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनावों में भी ये एक मुद्दा रहेगा। तो क्या वाकई ये वोटर को प्रभावित करेगा, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य कामधेनु गौ अभ्यारण्य में, जो मध्य प्रदेश के और राजस्थान के लगभग बॉर्डर पर पड़ता है, क्योंकि उस तरफ राजस्थान का इलाका शुरू हो जाता है। तो आज जब हम यहाँ पर इस जगह पर मौजूद हैं 32 करोड़ की लागत से बने इस गौ अभ्यारण्य में, हम वाकई जानेंगे कि गाय के सर पर छत देने की, उसकी परवाह करने की और उसका ख्याल रखने की जो बातें अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से हो रही हैं इन चुनावों के दौरान भी, असल में क्या वाकई जमीन पर यह है या नहीं। मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में गाय बहुत अहम हो गई है। अजब गजब एमपी में इन दिनों वोट की राजनीति गाय की परिक्रमा कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही अलग गौ मंत्रालय बनाने का ऐलान कर चुके हैं। आज मैंने फैसला किया है कि हम गौ मंत्रालय की स्थापना अलग से करेंगे, जो गौ माता की रक्षा के काम में लगेगा और उनकी व्यवस्थाएं बनाने का काम करेगा। शिवराज सरकार की दलील है कि इससे गौ माता की बेहतर तरीके से सेवा हो सकेगी। ऐसे में भला कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। ऐलान कर दिया कि सूबे में सरकार बनते ही हर पंचायत में गौशाला का निर्माण होगा। कांग्रेस की सरकार बनने लगी है, हर पंचायत में हम गौशाला बनाएंगे और हर पंचायत को, हर पंचायत को, हर परिवार को हम अलग राशि देंगे गौशाला चलाने के लिए। बदली सियासी फिजा में देश के कई हिस्सों में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी होने लगी। गौरक्षक लोगों की जान लेने लगे। हालात इतने बिगड़ने लगे कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा गाय के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है, गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। ऐसे में हमने फैसला किया एशिया के सबसे बड़े गौ अभ्यारण जाकर गायों की हालत देखने का, जो एमपी के आगर मालवा में है, कामधेनु गौ अभ्यारण। अभ्यारण्य का ये वो हिस्सा है जहाँ पर गायों को रखने के लिए शेड्स बनाए गए हैं। पीछे तक आपकी नजर जाएगी तो ये आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये 24 शेड्स हैं। आप यहाँ सामने अगर आपकी नजर जाएगी 22 नंबर, ये इन पर नंबरिंग भी की गई है, 22 नंबर का सिद्धा मंडप शेड है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे दाहिने साइड तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कल्पेश्वरी मंडप, 24 नंबर का शेड। इनमें सब में गायों को रखा गया है। आइए अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि अंदर स्थिति क्या है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि रख रखाव और जो इंतज़ाम यहाँ होने चाहिए गायों को रखने के लिए वो सही नहीं है। तो यहाँ दाखिल होते ही हमें ओहो बहुत बहुत ही ख़राब हालत है, बहुत बुरी हालत है। कुछ गाय जो हैं वो यहाँ पर जो दिख रही हैं कमज़ोर तो हैं ही, बीमार दिख रही, लेकिन ये देखिए ये गाय इस वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदबू है, उसके आगे पीछे पूरा ये जो मक्खियाँ मंडरा रही हैं और ये गाय इस वक्त मरणासन्न स्थिति में है। शायद अभी थोड़ी बहुत सांस चल रही है लेकिन लगभग मृत्यु की दहलीज पर। आगे बढ़ते हुए
आपको हम दिखा रहे हैं, वो देखिए उस तरफ भी जो दो गाय हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं। तकलीफ दे इन्हें इस हाल में देखना, लेकिन दूर दूर तक आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको ये कंकड़ पत्थर सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और कहीं पर चारा है नहीं है, सफाई को लेकर जो इंतज़ाम है, और अगर यहाँ से बाहर भी आप निकलेंगे तो जहरीली घास जो हैं वो यहाँ पर हैं। 32 करोड़ की लागत से ये पूरा अभयारण्य बनाया गया है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही कि उसे देखते हुए इंतज़ाम नाकाफ़ी हैं। नाकाफ़ी इसलिए कि जो भी तमाम आरोप यहाँ पर लगते रहे हैं और जो भी बातें होती रही हैं कि गायों को बचाने के लिए कुछ किया जाए या गौवध को लेकर जो इतनी हमने सियासी बयानबाजियां देखी, लेकिन सवाल यहां पर यही बरकरार कि जब अभयारण्य भी बनाया गया है तो वहां पर ज़मीनी हकीकत क्या है, आपको हमने ये दिखाया। अब यहां से देखना होगा कि ये तमाम बातें अब चुनावी मौसम में भी क्या सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाती हैं। एशिया के सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य में भी गायों की हालत बहुत खराब थी। हमें दूर दूर तक कोई केयर टेकर नजर नहीं आया। गायों की हालत ऐसी क्यों है, हम जानने के लिए पहुंचे असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर शशि राजपूत के पास। हम लोग यहाँ पे अभी पूरा घूम रहे थे, हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर गायों को रखा गया है। 4000 गाय है अभी यहाँ पर। हाँ, 4250 गाय। हमने देखा कि बहुत सी गाय ऐसी भी हैं जो बीमार हैं या बिल्कुल मरणासन हालत में हैं, तो आप लोग अभी बीमार गायों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? बीमार गायों को जो गाय हैं उनको हम अलग कर देते हैं, जैसे कमज़ोर गायें भी हैं, क्योंकि यहाँ पे गाय जो आती हैं वो किसानों के छोड़ देने के बाद यहाँ पे गाय आती है, वृद्धावस्था में गाय आती है, वो कमज़ोर गाय है, वो पड़ी नहीं है, वो लेट जाती है, वो लेटी हुई है, जैसे वृद्ध लेटा हुआ होता है, तो उनके लिए हमने एक अलग जो शेड है वो बनाया हुआ है, जो जिनमें हम उनका ट्रीटमेंट और बाकी सब व्यवस्थाएँ करते हैं। जितना पैसा खर्च करके इस पूरे अभयारण्य को तैयार किया गया, जिस तरह के संसाधन यहाँ के लिए लगाए गए, 14 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा अभयारण्य फैला है, जिसके लिए खास तौर पर ज़मीन ली गई और उसके बाद ये पूरा अभयारण्य तैयार किया गया। तो यहाँ पर आपकी नज़र जा रही होगी, आपको ये तीन इमारतें दिखाई दे रही हैं। ये तीन इमारतें दरअसल यहाँ पर अनुसंधान केंद्र बनने थे, रिसर्च के लिए लेबॉरेटरीज बननी थी, लेकिन अभी तक इसमें काम चालू नहीं हुआ है। ये तीनों की तीनों लैब्स अभी बंद हैं। 472 हेक्टेयर में बने इस अभ्यारण्य में करीब 6000 गायों को रखा जा सकता है, लेकिन अभी 4000 गाय ही यहां रखी गई हैं, क्योंकि इस अभ्यारण्य के पास और गाय रखने के इंतजाम नहीं है। जिन गायों को आप इस वक्त यहां देख रहे हैं ये घायल अवस्था में हैं, बीमार हैं और इन्हें यूं ही बाहर छोड़ा गया है। अब सवाल ऐसे में ये कि कांग्रेस पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में ये कह रही है कि वो अलग अलग पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण करेगी, और ये वादा नहीं बल्कि वचन है, तो क्या वाकई आने वाले वक्त में जो वादे किए जा रहे हैं या जो वचन दिए जा रहे हैं उनकी शक्लो सूरत भी ये होगी?